नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 भले ही अभी स्थगित हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं सीजन 15 को लेकर भी तैयारियां तेज हो रही है। आईपीएल सीजन 15 से पहले मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जा सकता है। अगर मेगा ऑक्शन होता है तो शायद सभी टीमों को मात्र 3 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी, साथ ही एक खिलाड़ी को राइट टू मैच कार्ड के जरिए शामिल किया जा सके। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने उन 3 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जिन्हें मुंबई इंडियंस रिटेन कर सकती है। साथ ही आकाश चोपड़ा ने यह भी बताया कि किस खिलाड़ी को टीम राइट टू मैच कार्ड के जरिए शामिल करेगी। अपने YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान आकाश चोपड़ा ने बताया कि मुंबई इंडियंस को किन 3 प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए और किसके लिए राइट टू मैच कार्ड का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुंबई इंडियंस के लिए यह काफी मुश्किल काम होगा। वे चाहेंगे कि ऑक्शन ना ही। मुंबई की टीम पूरी तरह से सेट है और इसी वजह से वो मिनी ऑक्शन चाहेंगे, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अगर सिर्फ 2 रिटेंशन और 1 राइट टू मैच कार्ड का प्रयोग करना हो तो वो सबसे पहले रोहित शर्मा को रिटेन करेंगे, दूसरे नंबर पर वो जसप्रीत बुमराह को रिटेन करेंगे, इसके अलावा हार्दिक पांड्या के लिए वो राइट टू मैच का प्रयोग कर सकते हैं। आकाश चोपड़ा के मुताबिक मुंबई इंडियंस अपने प्लेयर्स को रिटेन करती है तो फिर कई सारे खिलाड़ियों को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इनमें सबसे प्रमुख नाम करण पोलार्ड का है जो काफी समय से टीम के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक, कृणाल पांड्या, ईशान किशन और ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स को भी रिलीज करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।